गुड मॉर्निंग इंटरनेट, कैसे हो सब लोग? आई होप सारे ठीक होंगे। अपने कॉन्कैन के अंदर थर्ड डे है और अपना ये लास्ट डे है। बस होटल के बाहर खड़ा हूँ, अभी ग्रैब के ऊपर मोटर बाइक बुक की है, रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। आज मेरी ट्रेन है बैंकॉक के लिए, बैंकॉक जा रहा हूँ वापस। बैंकॉक में 3-4 दिन रुकूँगा अभी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाइट बुक है अपनी। तो आज डे ट्रेन मैंने इसलिए बुक की क्योंकि हमने स्लीपर में एक बार ट्रैवल करके नाइट का एक्सपीरियंस ले लिया। आज डे के अंदर डे ट्रेन में ट्रैवल करेंगे कि एसी चेयर कार में जो थाई रेलवे का है वो सफ़र कैसा रहता है। तो आज कोशिश होगी कि आपको थाई रेलवे का डे का सफ़र दिखाएंगे और कोंकण से बैंकॉक की आपको जर्नी कराते हैं। ब्रेकफास्ट अभी किया नहीं क्योंकि लेट हो गया उठते उठते, फिर चलते हैं, ब्रेकफास्ट भी शायद रास्ते में करें। ये मोस्टली क्या है ना, ग्रैब यहाँ पे फूड डिलीवरी है, ये फूड डिलीवरी के ड्राइवर हैं और सबके पास ना अपना आगे लगेज रखा हुआ है। मेरे को लगेज रखने की अच्छी खासी प्रॉब्लम आ रही है। इससे पहले 3 बार मैंने बाइक कैंसिल की, ये 3 बार बाइक कैंसिल करने के बाद ओके की है। ये आप देख ही रहे हो, बड़े कम पैसों में आ गए हैं जी। टोटल अपने लगे 33 बार अप्रॉक्सीमेट, समझ के चलिए आप 80 रुपये इंडियन लगे, तो बहुत कम पैसों में आ गए हैं। तो ये स्टेशन है अपना कोकलैन का, तो सबसे खूबसूरत स्टेशन है ये यहाँ का, पूरे थाईलैंड के अंदर जो सबसे प्यारा मेरे को स्टेशन लगा यही लगा। थाईलैंड में जहाँ भी घुसोगे हर जगह स्कैनिंग कंपल्सरी है, हर जगह स्कैनिंग कंपल्सरी है। अब ये नहीं पता ट्रेन 1 नंबर पे आएगी, 2 नंबर पे आएगी, पहले चेक करता हूँ। प्लेटफॉर्म क्लोज पड़े हैं जी अभी ऊपर जाने के लिए, खैर टाइम नहीं हुआ इस वजह से उन्होंने क्लोज रखे हुए, अभी खुलते हैं तो फिर चलते हैं हम लोग। एक पंगा हो गया जी, ट्रेन आने का टाइम उधर सरार जी को याद आया अपने आईपॉड्स ना वो बेड पे ही भूल आए, तो वापस अभी होटल भागा। मतलब कि ग्रैब की बाइक की उसको 33 बात थे, उसको 100 बात दिए कि मेरे को फटाफट लेके आना होटल से, लेके अभी स्टेशन पे पहुँचाऊँ। और बस ये थैंक यू है वाहेगुरु का कि टाइमली पहुँच गया, क्योंकि आईपॉड्स रात को मैं कुछ सुन रहा था, आईपॉड्स मैंने उतारे बेड पे ही रख दिए ऐसे, तो ऊपर से मेरे को याद भी ट्रेन आने से 5 मिनट पहले आया कि चलो मैं कुछ सुबह सुबह भजन कीर्तन सुन लेते हैं। तो जब मैं लगाने का सोचा मेरे को लगता मैं आईपॉड मैं बेड पे भूल आया, अभी फटाफट लेके आया हूँ। ये स्टेशन ना बेसिकली इन्होंने ज़मीन से कुछ 20-25 फुट ऊपर बनाया है और यहाँ से शहर का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत है। ये चीज़ देखिए आप, यहाँ से आपको ये फ्लैग आ गया थाईलैंड का, ये बड़ा प्यारा सा खूबसूरत स्टेशन है। मैंने एक्चुअली स्टेशन आप लोगों को दिखाया नहीं था, मैंने वही सोचा भी स्टेशन भी आप लोगों को दिखा दूं। चलिए ट्रेन आ गई है, थाईलैंड के अंदर ना ट्रेन की स्पीड बहुत ही स्लो है, बहुत ही स्लो है। ये देखिए ये मरी सी ट्रेन है, बाय बाय। क्या नंबर? 3 एसी नंबर 3। ओके लीजिए, ये कार नंबर 3 और हाल देखने वाला है। ये है जी एसी चेयर कार इनका,
ट्रेन मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट ही रुकी है जी, बस सिर्फ बैठे ही हैं ट्रेन में और ट्रेन चल पड़ी है। बड़ी छोटी सी ट्रेन है, कुछ 5-6 डिब्बे ही हैं ट्रेन में, जिसमें एक ही एसी का कोच है, बाकी सारे नॉन एसी कोच हैं। तो नॉन एसी का किराया कुछ मेरे ख्याल से 270 बाट है, 130 बाट एसी के लिए देना कोई एक्स्ट्रा मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिकॉज आपकी जर्नी जो है 9 घंटे की है, 9:30 का इसका टाइम है और 5 बजे ये पहुँचती है बैंकॉक, और ऑलरेडी 1 घंटा लेट चल रही है, तो देखो यहाँ भी ट्रेनें बहुत लेट हो। एक्चुअली क्या ना, इस ट्रेन में किचन नहीं है और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, मैंने लंच भी नहीं किया, लंच का टाइम हो गया और रात को भी डिनर मैंने हल्का फुल्का ही किया था। मेरे को पता नहीं था ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करना है फूड, मतलब कि ट्रेन का। अभी वो ट्रेन में मेरी लड़की बैठी है, उसने बेचारी ने, मैंने उससे वैसे ही पूछा उसका खाना आया तो अभी हम कैसे इसको ऑर्डर कर सकते हैं, उसने क्या किया अपना खाना मेरे को दे दिया। क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, वॉशरूम वगैरह कैसा है, तो ट्रेन का वो भी सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, एक राउंड लेके आते हैं ट्रेन का। ये बहुत छोटा सा वॉशरूम है बट बड़ा क्लीन है, साफ सुथरा है, और ये हैंड वॉश के लिए साबुन भी पड़े हुए हैं, आप यूज़ करके अलग रख सकते हैं अपना साबुन का भी। डे ट्रेन होती है उसमें इतना ही है जी, उसमें बेसिकली टोटल 5 कोच हैं, जिसमें 4 नॉन AC है, 1 AC का है, AC वाला भी खाली पड़ा है, और जो ये डे ट्रेन है ना ये काफ़ी फास्ट है नॉर्मल। कुछ अप्रॉक्सीमेट 8.5 घंटे लगे, 1 घंटा ट्रेन लेट थी, बस अभी बैंकॉक स्टेशन पे पहुँचे। यहाँ से हमने कोफंगान की सूरत थाने के लिए ट्रेन ली थी, यहीं से हम कोफंगान जाने के लिए, मगर ये समझिए हमने ट्रेन ली थी पहले बैंकॉक टू साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से फिर वेस्ट, वेस्ट से वापस बैंकॉक, मतलब कि मेरा मोस्ट प्रॉब्ली थाईलैंड का पूरा चक्कर कम्प्लीट हो गया है। बस अभी पहुंचा हूं, अभी बैंकॉक में 2-3 दिन रुकूंगा, तो उसके बाद फिर मेरी नेक्स्ट फ्लाइट है, तो अभी एग्ज़िट मारते हैं, पहले टैक्सी लेते हैं, हॉस्टल बुक कराया हुआ है, मेरी फ्रेंड ने हेल्प की बुक कराने के लिए, हॉस्टल पहुंचते हैं फिर आगे बात करते हैं क्या है। चलिए पहले हॉस्टल की तरफ। एक चीज़ मैं भी देख के बड़ा खुश हुआ, जो मेरे को मोस्टली फॉरेन के अंदर बहुत कम नज़र आती है, कि यहाँ पे भी लोग लंगर लगाते हैं। ये 2 लड़कियाँ बैठी हैं अपने ऑडी या BMW में आई हैं, इन्होंने मील बनाया हुआ है और मील के अंदर ये लोगों को पानी और साथ में मील बांट रही हैं। ये देखिए ये लड़कियाँ आई हैं, खाना भी दे रही हैं, पानी साथ में प्रॉपर एक फूड दे रही है मील के जैसे। ये है ये मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा है कि फॉरेन के अंदर किसी जगह पे आपको लंगर मिल जाए,
नहीं तो फॉरेन में तो लोग प्योरली बिजनेस ही करते हैं। लॉटरी लग गई जी, ग्रैब से टैक्सी मंगाई है, 230 बाट किराया था जो मेरे को टोटल 70 बाट पड़ा है, मेट्रो से भी कम। वो मेरे को पता नहीं था, जब आप ग्रैब ऑन करते तो आपको दो फ्री कूपन मिलते हैं 80% डिस्काउंट के। वो एक कूपन मैंने पहले यूज़ किया था कोकैन में, एक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, जो 230 बाट की मेरी राइड थी जो मेरे को 70 बाट की पड़ेगी। बस गाड़ी की वेट कर रहा हूँ, फिर हॉस्टल पहुँचेंगे फटाफट। ये आ गए हैं जी हम सुखवित के एरिया में। ये डाउनटाउन भी माना जाता है और मोस्ट ट्रैफिक का एरिया माना जाता है ये बैंकॉक का, और बहुत सबसे एक्सपेंसिव एरिया में भी एक है। क्या कि हम लास्ट टाइम खाओसान में रुके थे, खाओसान पूरा देख लिया 4 दिन में, तो अभी 3 दिन का स्टे है, तो मैंने सोचा कुछ नया एरिया ट्राई करते हैं। तो अभी यहाँ पे आए हैं, हॉस्टल अपना सामने ही है, तो अभी चलते हैं, पहले हॉस्टल चेकिंग करते हैं, फिर रात को आपको ये एरिया दिखाएंगे।